हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। मेरे साथ आज हैं साहिल मौर्या। साहिल सुल्तानपुर से हैं और इन्होंने एयरफोर्स एक्स वाई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 जो 13 से 16 सितंबर के बीच में हुआ था, साहिल ने एक्स ग्रुप में रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और इनका फेज़ टू भी हो गया है। इनका फेज़ टू 25 अक्टूबर को था सिकंदराबाद में, तो फेज़ टू भी इनका क्लियर हो गया और मेडिकल की डेट मिली है। साहिल, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। एंड वी विश कि आपका मेडिकल भी अच्छे से क्लियर हो जाए, आप सिलेक्शन पाएँ। और जैसा कि हमने इस सीज़न में कुछ बच्चों से पहले ही बात की थी और हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस साल SRT में काफ़ी बच्चे आउट हो रहे हैं, और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस साहिल का भी रहा। इनफैक्ट साहिल ने तो ये तक बताया मुझे कि इस बार रेस में कम बच्चे आउट हुए, जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं कि अराउंड 50% बच्चे आउट जाते हैं, 45% बच्चे आउट जाते हैं रेस में। तो जिस दिन साहिल का था फेज़ टू, इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि फेज़ टू में कम बच्चे आउट हुए, लेकिन SRT में सरप्राइजिंगली काफ़ी बच्चे आउट हुए, ऑलमोस्ट 30-40% बच्चे आउट हो गए। तो हम साहिल से बात करेंगे, कुछ जानेंगे। साहिल, आपका जो फेज़ टू का एक्सपीरियंस था, जैसे वो फिज़िकल हो या फिर आगे GD हुआ, SRT हुआ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं सबको यहाँ पे उसको डिटेल्स, और SRT में जैसा कि आप मुझे बता रहे थे थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें मेरे साथ आप। फर्स्ट थैंक यू। मेरा नाम साहिल है। मेरा जो फेज़ टू एयरफोर्स एग्ज़ाम था वो 12 SC सिकंदराबाद में था। तो इस बार मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, तो वन डे सर हुआ करता था एग्ज़ाम। ओके। तो उस टाइम मैं अनफॉर्चुनेटली फिजिकल आउट हो गया था, मैं उठक बैठक में। ओके। तो इस बार जो हमारा फिजिकल हुआ वो हमारी रिपोर्टिंग थी 5:30 बजे, तो हमें 5 बजे अंदर बुला लिया गया। इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हमें रनिंग के लिए ले गए, तो वहाँ पे जो 200 की स्ट्रेंथ थी, लेकिन बच्चे आए थे 189, 11 बच्चों ने छोड़ दिया था उसको। ओके। इसके बाद जब हमारी जो बैच बनी 120, एक का एक बैच बनाया गया, इसके बाद 69 का एक बैच बनाया गया। ओके। इसके बाद हम रेस के लिए आए, तो मेरा जो चेस्ट नंबर था 87 था, तो हमारे यहाँ जब 120 जब पहला बैच दौड़ाया तो उसमें से 40 बच्चे लगभग आउट हो गए सर। इसके बाद जो सेकेंड था उनकी भी रनिंग ख़त्म हुई। इसके बाद हमें आया गया, तो हमें नाश्ता करने के लिए बोला गया। तो नहीं, नाश्ता करने से पहले हमें हमारा जो फेज़ टू का था इसके लिए गया हमें उठक बैठक और सीटअप्स और स्क्वाट्स कराया गया हमें। ओके। इसके बाद हमें ले आया गया, जो बच्चे सिलेक्ट थे उसमें से सर 3 लड़के रिजेक्ट हो गए। आई सी। तो इसके बाद हम गए वहाँ पे, तो हमें नाश्ता करने के लिए बोला गया, तो हम नाश्ता किए। इसके बाद हमारा SRT हुआ। तो मैंने जो इस बार देखा है SRT में, तो सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट था। मैं लास्ट ईयर जब दिया था तो उसमें 1 से 2 बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार जो रेशियो था 80 में से सर 40 बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे। ओके। ऐसे मतलब 50% के आसपास जा रहा है SRT। तो इसके बाद हम गए वहाँ पे, तो दूसरे बैच का वो तो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो हमारा 15-15 का 6 बैच बना। तो ग्रुप डिस्कशन से केवल 7 लड़के आउट हुए, तो 189 में 83 फाइनली सिलेक्ट हुए। ओके। एक्चुअली साहिल ने लास्ट ईयर मतलब जो 2017 का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम था वो भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था। उस टाइम पे एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं था, जैसा कि आप सब जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी लास्ट टाइम से ही होना शुरू हुआ है। तो उस टाइम पे वन डे था इनका, मतलब रिटन एग्ज़ाम भी वहीं पे था, फिज़िकल सब कुछ था। उस वक्त ये थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे और फिज़िकल में आउट हो गए ये उठक बैठक में। तो ये बात जो इन्होंने कही है कि अभी SRT में ज़्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं, फिजिकल में कम बच्चे आउट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम खुद ये फिजिकल में आउट हो गए थे, लेकिन इस टाइम फिजिकल में इतने बच्चे आउट नहीं हुए, और SRT में जैसा कि बता रहे हैं साहिल कि ऑलमोस्ट 50% आउट हो गए। साहिल मुझसे कह रहे थे कि इस बार जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जैसा कि आप सब जानते हैं SRT में लगभग 45 में से 35-38 क्वेश्चन रहते हैं सिचुएशन रिएक्शन के, और बचे हुए 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। तो इस बार साहिल को ऐसा भी लगता है कि शायद रीजनिंग के क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे थे उन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने सबने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, और जहाँ तक सिचुएशन रिएक्शन की बात है उसमें ऑप्शन कोई गलत तो होता नहीं है, सारे ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, ऐसा साहिल का मानना है कि शायद कोई इन्होंने कट ऑफ रखा होगा, कि जैसे मान लीजिए 8 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, तो उसमें से अगर कोई मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करेगा उसी को हम क्वालिफाई कराएंगे SRT। ऐसा साहिल का मानना है, इसका कोई ऐसी फुल प्रूफ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट मेरा सजेशन यही होगा कि आप प्रैक्टिस अगर आप फेज़ टू के लिए जा रहे हैं,
तो प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, बिल्कुल कंफर्म है ये, फिजिकल की तैयारी, रेस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा फोकस करिए कि सिचुएशन रिएक्शन के क्वेश्चन तो पढ़िए पढ़िए, साथ में थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़िए। नॉर्मली लोग फेज टू के तैयारी के समय पे रागा जो सब्जेक्ट होता है वाई ग्रुप का वो नहीं पढ़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा रीजनिंग भी पढ़ते रहिए, अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ते रहिए, आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं ये। और फेस मेड जी डी में हमेशा की तरह जैसे हम देख रहे हैं इस साल बहुत कम बच्चे आउट हो रहे हैं, 90 बच्चे थे, 90 में से सिर्फ 7 बच्चे आउट हुए, 6 ग्रुप्स में से सिर्फ 7 बच्चे, यानी एक ग्रुप में ऑन एन एवरेज सिर्फ एक ही बच्चा आउट हुआ। तो साहिल मुझे बहुत खुशी है आपका जो ये आपने क्रैक किया, एग्ज़ाम क्रैक किया और फेस टू क्लियर क्रैक किया। अच्छा मैं यहाँ एक खास बात बताना चाहूँगा, साहिल ने जब 12th क्लास पास किया, साहिल चाहते थे कि आएँ और मेजर कल्शी क्लासेस ज्वाइन करें, लेकिन इनके पापा ने इनको अलाउ नहीं किया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये मेजर कल्शी क्लासेस की बुक्स ऑर्डर करेंगे, तो इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है मेजर कल्शी क्लासेस का उसको यूज़ किया, और यहाँ से इन्होंने सारी एयरफोर्स एक्स की किट मंगवाई पढ़ाई की घर पर, और साथ ही साथ इन्होंने स्पोकन इंग्लिश की बुक्स भी मंगवाई, क्योंकि आप जानती हैं कि किस तरह से ग्रुप डिस्कशन में और इवन रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साहिल ने यहाँ से एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की किट और स्पोकन इंग्लिश की जो बुक्स हैं मंगवाई थी, घर पर रह के इन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की इन्होंने, और साथ ही साथ ये जुड़े हुए थे हमारे साथ लगातार, यूट्यूब के वीडियोज़ देखते थे हमारे, और इनकी क्वेरीज आती थी कई बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो और इन्होंने अभी इस बार रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फेज़ टू भी क्लियर किया, और इनका मेडिकल जनवरी में है। तो साहिल मैं विश करता हूँ कि आपका मेडिकल निकले, आप सिलेक्ट हों एयरफोर्स में, आप ज्वाइन करें एक्स ट्रेड में। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, कुछ टिप देना चाहेंगे जो अभी फेज़ टू में जा रहे हैं या फिर अगले साल जो अभी नेक्स्ट टाइम रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई टिप? यस सर, ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आप इतना मेहनत करके अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर आप मतलब फिजिकल एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, अगर आप उस स्टेज से बाहर होते हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है सर, मैं उसको फेस किया हूँ। लास्ट ईयर जब हमारे टाइम पे वन डे एग्ज़ाम हुआ करता था, तो सर पूरा प्रोसेस वगैरह, पहले उसी दिन रिटन एग्ज़ाम होता था, इसके बाद रिटन के बाद आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाता था, अभी जो SRT हुआ सर, तो उसके बाद सर रिजल्ट आता था, फिर वो करते करते शाम को फिजिकल होता था सर। मैं लास्ट ईयर मुंबई में था, SC6 में, काटन ग्रीन मुंबई में, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे दादाजी बाहर खड़े थे, वो मेरे साथ गए हुए थे, तो मैं 5:30 बजे के आसपास रनिंग हुई थी सर शाम को, और मैं सुबह 6:30 बजे गया था, तो मतलब 12-12 घंटे 11-11.5 घंटे रनिंग के बाद जो मतलब प्रोसेस वगैरह था 7:30 बज जाते हैं, 6:30-7:30 तक हो जाता है पूरा, तो मतलब अगर आप 14-15 घंटे वहाँ पे झेल के जाते हैं, फिर लास्ट में अगर आप बाहर होते हैं तो बहुत बड़ी मतलब दुख की बात होती है, आप इतना मेहनत किए हैं, आपने पढ़ाई की है, तो थोड़ा वो होता है, लेकिन हाँ हिम्मत ना हारिए, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो यही आप मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप अगर पढ़िए तो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आप नंबर लाएंगे, रट्टा मार के नंबर लाया जा सकता है, पर आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिए, क्योंकि सिचुएशन में अगर आप जा रहे हैं तो आपका वो माइंड चेक करते हैं, आपको ये नहीं देखते कि आपने कितने नंबर पाए हैं, आपका वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता सर, आपने फिजिकल में क्या किया कि अभी तक आपने मार्क्स कितने लाए, वो सब मैटर नहीं करता, उनको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आप कितना सिचुएशन को देख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। और तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सिचुएशन को फेस करिए, आप यहाँ की जो बुक है वो बाइबल है, मैं कहना चाहूँगा जितने भी एयरफोर्स स्टूडेंट और नेवी के हैं, जो SRT की बुक है मैंने पढ़ी है, काफ़ी पतली बुक, लेकिन एयरफोर्स स्टूडेंट के वो बाइबल है और बहुत अच्छी बुक है वो, आप ज़रूर पढ़िए एक बार, आप यहाँ से परचेज करिए और ख़रीदिए, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आप मैं उसमें देखा हूँ जो यहाँ से क्वेश्चन थे सर वो काफ़ी मैच कर रहे थे वहाँ पे, और आपको आधे घंटे का समय मिलता है, 45 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर सही करके आइए, क्योंकि अगर आप और कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। मैंने देखा इस बार जो SRT में रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 45-50% तक जा रहा है, तो आप अच्छे से जाइए और मेहनत करके जाइए। बिल्कुल सही बात कही साहिल ने, आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट टाइम जैसे क्लियर नहीं हुआ तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आप लगे रहिए, डोंट क्विट, दैट इज़ द मंत्रा, और जैसा कि साहिल ने कहा, बी कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही आपको SRT में, इट विल मेक श्योर कि यू क्लियर SRT। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
NDA, CDS, AFCAT, CPF, इवन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, या फिर एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी SSR, नेवी AA, इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, GD, कोई किसी भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मेजर कल्शी क्लासेस की पब्लिकेशन की वेबसाइट है www.mkcpublication.in, और साथ ही साथ एक हमारी दूसरी वेबसाइट है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, क्योंकि ये प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है सैम्पल पेपर्स, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.mkconlinetestseries.in, वहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ सैम्पल पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेज़ टू का जो प्रोसेस चल रहा है अभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई का, जैसा कि साहिल को शायद फर्स्ट डेट था 25 अक्टूबर, शायद फर्स्ट डेट था, तभी से शुरू हुआ था फेज़ टू, और ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ गया। कई बच्चों का भी 19 नवंबर को है, 25 नवंबर को है, फेज़ टू चल रहा है। तो जिन बच्चों का फेज़ टू है उनको मेरी तरफ से, मेजर कल्शी क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग वहाँ अच्छा परफॉर्म करिए, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, आप अच्छा परफॉर्म करिए, आई एम वेरी श्योर आप क्लियर करेंगे। और अभी बहुत जल्द एयरफोर्स एक्स एंड वाई 01/2019 का भी फॉर्म आ जाएगा, और दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा इसका एग्ज़ाम, वही फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में होगा। तो आप उसके भी अगर उसको टारगेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, हार्डली 3 या 4 मंथ्स का टाइम है आपके पास, तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए मेजर कल्शी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो आप डेफिनेटली बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड साहिल कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter एंड YouTube। थैंक यू।